हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हाल ही में कथा चल रही है नोएडा में पूज्य पंडित जी के द्वारा। आज दूसरे दिन की कथा, जो नवनिधि कथा चल रही है, वो आज दूसरे दिन की कथा का समापन हुआ है। आज की कथा में पूज्य पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जो कि सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। मनोकामना चाहे आपकी एग्जाम की हो, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति हो, व्यापार हो, बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूज्य पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय बताया है। आपको करना ये है, आपको अपने ही घर से एक लोटा जल लेके जाना है, जो कि हम नॉर्मल ही लेके जाते हैं। पूज्य पंडित जी की कथा सुनकर हम अब सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग अपने ही घर से एक लोटा जल भर कर लेके जाते ही हैं। आपको अपने घर से एक लोटा जल लेके जाना है और पहुँच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। अब वहाँ पे करना ये है, आपको जो जल चढ़ाना है वो बिल्कुल स्लो मोशन में जल चढ़ाना है। पूज्य पंडित जी ने बताया है कि जल आपको धीरे धीरे एक धार में चढ़ाना है, ऐसा बूंद बूंद भी नहीं, एक धार में आपको जल चढ़ाना है। धीरे धीरे वो जल चढ़ाते चढ़ाते आपको भगवान तुम रुका जी का नाम लेना है, या तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और जितना जैसे जैसे जल चढ़ेगा, आपको नाम लेते ही जाना है धीरे धीरे स्लो मोशन में जल चढ़ाते चढ़ाते। उसके बाद में जब जल पूर्ण हो जाता है आपके लोटे में से, तब आपको उसमें से थोड़ा सा जल जलाधारी से लेकर उसका आचमन कर लेना है, और अपनी सारी मनोकामना भगवान तुम रुका जी को और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर बोल देनी है और अपने घर आ जाना है। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। आपको चाहे कितनी भी बड़ी सफलता चाहिए, कोई सी भी बीमारी हो, एग्ज़ाम हो, व्यापार हो, आर्थिक स्थिति हो, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। ये उपाय ज़रूर करके देखें। अभी अभी पंडित जी ने ये उपाय बताया है। थैंक यू फ्रेंड। श्री शिवाय नमस्ते।